गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 एंड एक्सरसाइज 14.4 एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जो हमने ऑनलाइन क्लासेस में किया हुआ है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्टिंग करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है 3x + 2 पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 3x² + 6x + 4 दिया हुआ है. आपको चेकआउट करना है इरर्स और उसके बाद आपको कल स्टेटमेंट लिखना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में 3x + 2 लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपको दिया हुआ है 3x² + 6x + 4. आपको चेकआउट करना है दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता है. तो यहाँ पे फर्स्ट हमको दिया हुआ है 3x + 2 पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर. मीन्स कि आपको मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन किया हुआ था, जब भी प्लस है और ए और बी दिखाई दे और पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर हो तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है. तो ए प्लस बी पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, यानी फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमको यही फार्मूला यूज़ करना है. तो यहाँ पे फार्मूला लेंगे ए स्क्वायर, मीन्स कि ए हमारे लिए 3x है और बी हमारे लिए 2 है. तो ए का स्क्वायर मीन्स के 3x² प्लस का प्लस, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2ab, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ए हमारे लिए 3x है तो यहाँ पे लिखेंगे 3x, बी हमारे लिए 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, एंड ये हमारे लिए लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे लिए राइट हैंड साइड है. तो आपको चेकआउट करना है दोनों इक्वल है या नहीं है. और आपको राइट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है 3x² + 6x + 4. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा, यानी 3 का स्क्वायर 9, 3 × 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा तो x का स्क्वायर. ओके, नाउ प्लस का प्लस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 और 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और x का x, प्लस का प्लस, 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2 करेंगे तो 4. ओके स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आंसर आया 9x² + 12x + 4 और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है 3x² + 6x + 4. ओके स्टूडेंट्स, दोनों के आंसर चेकआउट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 9x² + 12x + 4 दिया हुआ है, जब यहाँ पे राइट हैंड साइड में 3x² + 6x + 4. तो स्टूडेंट्स, दोनों का आंसर सेम नहीं है, यानी LHS एंड राइट हैंड साइड जो दिया हुआ है वो इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल RHS. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे पहले हमने इरर्स फाइंड कर लिया, चेकआउट कर लिया, दोनों सेम नहीं थे तो लिख दिया LHS इज नॉट इक्वल RHS. अब यहाँ पे हमको करेक्ट स्टेटमेंट करना है तो करेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे. करेक्ट स्टेटमेंट में लेफ्ट हैंड साइड में 3x + 2 पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर दिया है, उसको हमने फाइंड किया फार्मूला से 9x² + 12x + 4 आया है. तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 3x + 2 पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर. ओके, तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा 9x² + 12x + 4. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड. नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन हो चुका है. अब क्वेश्चन नंबर टेन में आपको सब्स्टिट्यूटिंग करना है और x आपको गिवन है -3, यानी मीन्स कि जहाँ पे भी आपको x दिखाई दे वहाँ पे आपको रखना है -3. आपको a दिया हुआ है x² + 5x + 4 और गिव्स दिया हुआ है -3² + 5 और ब्रैकेट में -3 + 4 और इज इक्वल टू करके आपको दिया है 9 + 2 + 4 इज इक्वल टू 15. मीन्स के आपको यहाँ पे दिया है राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है x² + 5x + 4 और राइट हैंड साइड में आपको आंसर दे दिया है 15 जो वो लोग ने आपको रखा है. तो यहाँ पे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे. आपको चेकआउट करना है कि दोनों का आंसर RHS के साथ आता है या नहीं आता है, वो आपको चेकआउट करना है. तो यहाँ पे x² + 5x + 4 मीन्स के x की वैल्यू आपको गिवन है, आपको कितनी दी हुई है -3. तो जहाँ पे भी आपको x दिखाई देगा वहाँ पे आपको रखना है -3. तो लेफ्ट हैंड साइड में हम रखेंगे x² है, मीन्स के x के प्लेस पे क्या रखेंगे -3 का स्क्वायर, प्लस का प्लस, 5 का 5. अब यहाँ पे x आ चुका है तो x की वैल्यू हमको दी हुई है
माइनस थ्री, तो सो एक्स के प्लस पर रख देंगे माइनस थ्री, प्लस का प्लस, फोर का फोर, ओके। और राइट हैंड साइड में टोटल हमको दिया हुआ है 15, तो हमको ये चेकआउट करना है कि दोनों एल एच एस एंड आर एच एस इक्वल है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ हमको ये चेकआउट करना है। सो यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस 3 इंटू माइनस 3 करेंगे, तो 3 जा 9 एंड माइनस माइनस कट, ओके स्टूडेंट्स। तो यानी 3 का स्क्वायर भी हो चुका है माइनस 3 का, तो 9 आ चुका है। प्लस माइनस माइनस, 5 जा 15, तो यहाँ पे लिख देंगे 15, प्लस 4 का प्लस 4, ओके स्टूडेंट्स। और राइट हैंड साइड का आंसर है 15। नाउ अब प्लस 9 है एंड प्लस 4 है, तो दोनों का प्लस करेंगे तो हो जाएगा 13, माइनस 15 का माइनस 15, और राइट हैंड साइड का आंसर है 15। नाउ अब यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, 15 में से 13 को माइनस करेंगे तो 2 होगा, और हमको पता है जो बड़ा नंबर हो उसकी साइन रखते हैं, तो बड़ा नंबर 15 है, 15 की साइन माइनस है, तो यहाँ पे होगा माइनस 2, ओके स्टूडेंट्स। और राइट हैंड साइड क्या है हमारा 15। अब चेकआउट करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने फाइंड किया, तो उसका आंसर आया हमारा माइनस 2, और राइट हैंड साइड का आंसर आया है 15। सो दोनों का आंसर हमने चेक किया, दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिखना है एल एच एस इज नॉट इक्वल आर एच एस, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब यहाँ पे हमको करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो एल एच एस हमने दिया है, जो हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ओके, तो उसके साथ जो फाइंड करके आंसर आया वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट, यानी माइनस 2, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 में ये मैंने करवाया है, बी और सी आपका होमवर्क है, ओके स्टूडेंट्स। और बी और सी आपको होमवर्क में करना है, सेम मेथड यही है, तो यही मेथड आपको यूज करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ है वाई माइनस 3 पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 9। जब भी आपको एरर्स फाइंड करना है, चेकआउट करना है, तो आपको यहाँ पे ये है हमारे लिए लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे लिए राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, वो आपको पहले फर्स्ट ऑफ चेकआउट करना है, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है वाई माइनस 3 पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर दिया हुआ है, आपको पता है माइनस है और ए और बी है और ब्रैकेट का स्क्वायर है, मीन्स के फॉर्मूला ये होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ए माइनस बी पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, मीन्स के ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है वाई माइनस 3 पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो लेफ्ट हैंड साइड है तो वो फाइंड करेंगे और चेकआउट करेंगे कि राइट हैंड साइड आंसर आता है या नहीं आता है, मीन्स कि वाई स्क्वायर माइनस 9 आंसर आता है वो नहीं आता, वो हमको चेकआउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड का रखेंगे, तो वाई माइनस 3 तो रख दिया, ओके, यानी ये हमारे लिए ये हमारे लिए बी, और राइट हैंड साइड में तो हमको दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 9, मीन्स कि हमारा ये आंसर आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो नॉट इक्वल, ओके, अगर आ जाता है तो इक्वल। अब यहाँ पे ए का स्क्वायर, तो ए हमारे लिए वाई है, तो वाई का स्क्वायर कर देंगे, ओके स्टूडेंट्स। माइनस का माइनस रखेंगे, 2 का 2 रखेंगे, ए हमारे लिए वाई है तो वाई रखेंगे, और बी हमारे लिए 3 है तो यहाँ पे रखेंगे 3, ओके स्टूडेंट्स। नाउ प्लस का प्लस, बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। नाउ वाई हमको राइट हैंड साइड में दिया है वाई स्क्वायर माइनस 9, ओके, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे वाई का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर माइनस का माइनस, 3 टू जा 6, 6 और वाई का वाई, प्लस का प्लस, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। मीन्स कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का हमने फाइंड किया, उसका आंसर आया है वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, ओके स्टूडेंट्स। और जो आर एच एस है उसका आंसर है वाई स्क्वायर माइनस 9, मीन्स कि दोनों आंसर को डिफरेंट देखेंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 9 है और यहाँ पे हमारा आंसर आया वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, तो सो दोनों आंसर डिफरेंट है, यानी दोनों एल एच एस और आर एच एस इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे एल एच एस इज नॉट इक्वल आर एच एस, ओके स्टूडेंट्स।
नाउ अब यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट करना है, तो जो LHS में हमने फाइन किया है वहाँ पे उसके फाइन करके जो आंसर आया है वही लिखेंगे तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। मीन्स के LHS आपको दिया y माइनस 3 पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर और फाइन करके हमारा आंसर आया है y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, तो यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। ओके, तो ये हमारे लिए करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया हुआ है 2a प्लस 3b और सेकेंड ब्रैकेट आपको दिया हुआ है a माइनस बी। ओके, इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। मीन्स कि यहाँ पे भी आपको चेकआउट करना है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है या नहीं है। तो आपको राइट हैंड साइड में आंसर दिया हुआ है 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड में थ्रू ब्रैकेट दिए हुए हैं। आपको पता है जब भी थ्रू ब्रैकेट दिए हैं यानी दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ब्रैकेट आपको क्या दिया हुआ है 2a, तो 2a को ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई और 3b को ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये हमारे लिए लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे लिए राइट हैंड साइड है। नाउ 2a को ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट ऑफ 2a लेंगे और 2a को a के साथ मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, और 2a को अब b के साथ मल्टीप्लाई, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस, और 2a को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है b के साथ, यहाँ पे लिख देंगे b। अब 3b, अब प्लस का प्लस, 3b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b इंटू a। ओके, प्लस माइनस माइनस, और 3b को b के साथ मल्टीप्लाई तो 3b इंटू b। ओके स्टूडेंट्स, और आपको राइट हैंड साइड का आंसर क्या दिया हुआ है 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। नाउ अब इसको फाइंड करेंगे, 2a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर। ओके, a टू टाइम है यानी a का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 2a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2ab हो जाएगा, प्लस का प्लस, 3b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ba हो जाएगा, माइनस का माइनस, और 3b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b टू टाइम है तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का आंसर क्या दिया हुआ है 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, यह आंसर आपका आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो इज नॉट इक्वल, तो यहाँ पे हमारा फाइंड क्या था, यहाँ पे 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3b है माइनस 3b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कट करना है तो यहाँ पे 2a स्क्वायर है, मीन्स कि इसका तो प्लस माइनस होने वाला नहीं है, यहाँ पे माइनस 3b स्क्वायर यानी यहाँ b का स्क्वायर है तो ये भी प्लस माइनस नहीं होगा। नाउ यहाँ पे आपको दिया हुआ है माइनस 2ab प्लस 3ba। ओके स्टूडेंट्स, यानी ये दोनों का प्लस माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे ab है यहाँ पे ba है। सपोज 7 × 1 करेंगे एंड 1 × 7 करेंगे तो आंसर तो तुम्हारा 7 ही आने वाला है, तो यहाँ पे भी ab है और यहाँ पे b है, आंसर तो एक ही होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2a स्क्वायर का 2a स्क्वायर, प्लस माइनस है और प्लस है तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस होगा, मीन्स के 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 और बड़ा नंबर है उसकी साइन तो प्लस, तो यहाँ पे रखेंगे प्लस और 1 और क्या है ab, या आप लिख सकते हो ba। ओके, आप पे डिपेंड है, माइनस 3b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। आपको चेकआउट करना है दोनों आंसर सेम है या नहीं है, तो यहाँ पे आपका आया है 2a स्क्वायर प्लस 1ab माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। मीन्स के दोनों का आंसर सेम नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बनाएंगे, तो LHS क्या है हमारा 2a प्लस 3b एंड ब्रैकेट में दिया हुआ है a माइनस b। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा 2a स्क्वायर प्लस 1ab माइनस 3b स्क्वायर।